डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। तो इस क्वेश्चन में मेरे को बोल रखा है कि एन एयर पक ऑफ मास m1, ये एक एयर पक है जो कि m1 मास के, इसको एक बॉल टाइप से मान सकता हूँ, इज टाइड टू अ स्ट्रिंग अलाउड टू रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r। तो ये मैंने किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखी है और ये जो स्ट्रिंग है ये किसी r रेडियस के सर्कल में ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये जो हमारा टेबल है ये हमारा फ्रिक्शनलेस है, ठीक। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग पासिस थ्रू अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द टेबल एंड अ लोड ऑफ मास m2 इज टाइड टू द स्ट्रिंग। तो एक एंड तो हमने m1 से कनेक्ट करके रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे है और वो r रेडियस के एक सर्कल पे घूम सकता है, अच्छा। और दूसरे एंड में मैंने क्या कर रखा है, m2 कनेक्ट कर रखा है मास जो कि हैंग कर रहा है वर्टिकली, ठीक है, और ये सेंटर से पास हो रही है स्ट्रिंग, ठीक, कोई बात नहीं। द सस्पेंडेड लोड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है ये जो हमारा m2 है ये मूव नहीं कर रहा है, इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। व्हाइल द पैक ऑन द टेबल टॉप रिवॉल्व, और ये जो मास m1 का जो हमारा पक था ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हमें टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग की। देखिए ये हमारा जो मास m2 है ये इक्विलिब्रियम पे, अगर मैं इस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊँ तो क्या क्या इस पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखता है, टी राइट जो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और नीचे की तरफ आपका m2g। अगर मैं यहाँ से इसके सारे फोर्सेस बैलेंस करूँ तो यहाँ से मेरे पास जो टी है वो किसके इक्वल आ गया, m2g के इक्वल। तो ये ए पार्ट का आंसर है, ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर है, ये कुछ ए नहीं है, ठीक है। फाइंड द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पक, अगर मैं m1 का fpd बनाऊँ, ठीक, तो ये आपका एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर जो कि स्ट्रिंग लगा रही है ना, और ये फोर्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो सेम है ना, तो स्ट्रिंग क्या फोर्स आएगी, टेंशन फोर्स आएगी अंदर की तरफ। तो यहाँ से तो फाइंड द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पक क्या है, वो है हमारा जो बी पार्ट का आंसर है वो है m2g के इक्वल, क्योंकि टेंशन की वैल्यू क्या है m2g, और हमारा एफ क्या है, टी के इक्वल ही है, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा इसको सेंटर की तरफ, ठीक। तो अगर मैं देखूँ तो m2, वैसे इसको एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी, लेकिन वो नीचे की तरफ लगेगा, मतलब वो एक्चुअली हमारा सेंटर की तरफ नहीं लगेगा, वो हमारा लगेगा नीचे की तरफ और ऊपर से n लगेगा। तो ये वाले फोर्सेस जो हैं हमारे ग्रेविटी वाले ये तो बैलेंस हो जाएंगे, m1g = n आ जाएगा आपका, तो इसलिए ये मैं फोर्सेस कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ जो फोर्सेस कंसिडर कर रहा हूँ मैं वो टेंशन ही है, ठीक। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया आपका। फाइंड द स्पीड ऑफ द पक, तो आप देख सकते हैं ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल है, और सेंट्रीपेटल फोर्स होता क्या है, v² / r m1 है ना, इसका जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा m × v² / r, ये होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। m1 की वैल्यू पुट कर दी, रेडियस क्या है r, सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ पे मेरे को v की वैल्यू चाहिए, और इसका सेंट्रीपेटल फोर्स है कितना, f के इक्वल ही तो है, यानी कि m2g के इक्वल। अगर मैं यहाँ से इसकी v की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो वो मेरे बड़े इजीली मैं देख सकता हूँ कि वो वैल्यू आएगी कुछ m2 / m1 g/r^2, ठीक, m2 / m1 g/r^1/2, ये है मेरे सी पार्ट का आंसर। अब डी पार्ट देखता हूँ, क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब व्हाट विल हैपन इन द मोशन ऑफ द पक इफ द वैल्यू ऑफ m2 इज समवट इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग एन एडिशनल लोड ऑन इट। तो मैंने कहा अगर m2 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करी बाय प्लेसिंग अ लोड ऑन इट, ठीक, तो अब क्या होगा, आप देख सकते हैं अगर मैं m2 की वैल्यू बढ़ाऊँ तो t की वैल्यू बढ़ेगी सबसे पहली चीज, यानी कि टेंशन इंक्रीज, ठीक। वैसे तो मेरे को मोशन ऑफ द पक के लिए ही पूछा है, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अगर टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ सेंट्रीपेटल बढ़ेगा, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ेगा, एफ क्या है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल ही तो है, ये बढ़ गया। अगर आपका एफ सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ा तो आपकी जो वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि
एफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, अगर एफ बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। यानी कि इसके मोशन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसकी स्पीड है एक्चुअली, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आई मीन, तो जो इसकी स्पीड है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ, एंड ऐसे अगर मैं इसका एम टू का मास घटा दूँ तो जो मेरी स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, टेंशन वो डिक्रीज हो जाएगी और सेंट्रिपिटल फोर्स वो डिक्रीज हो जाएगा।